नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 9 सितंबर 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आरपीएससी रीट एवं कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। रीट में 2 की जगह 1 ही पेपर होगा, कॉमर्स के छात्रों को भी मिलेगा रीट में मौका। रीट की तिथियां जल्द घोषित करने के भी निर्देश जारी किए। रीट शिक्षक भर्ती 2020 मामला जयपुर। भास्कर, बेरोजगारों के लिए रीट भर्ती का परीक्षा पैटर्न जारी। रीट परीक्षा में होगा 1 ही पेपर, बीकॉम के विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा। राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा। जयपुर राजस्थान पत्रिका रीट शिक्षक भर्ती 2020। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का 30% वेटेज होगा कम। रीट भर्ती में अपनाया जाएगा एनसीटी का सिलेबस। 11 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी हो रहे परेशान। रीट भर्ती में आएगा 1 ही पेपर, आरक्षण प्रक्रिया के बाद जारी होगी विज्ञप्ति। नवज्योति जयपुर रीट शिक्षक भर्ती 2020। डोटासरा ने कहा एनसीटी सिलेबस के आधार पर ही होगी रीट परीक्षा। जयपुर टाइम्स जयपुर रीट शिक्षक भर्ती 2020। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2006 वेतन विसंगति को लेकर कोर्ट ने संबंधित शिक्षा अधिकारी को तलब किया। नवज्योति हाईकोर्ट से बड़ी खबर। जोधपुर राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2006 मामला। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान। राज्य सरकार पद बढ़ाए तो 700 और अभ्यर्थियों को हो सकता है फायदा। अजमेर भास्कर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में 700 पद और बढ़ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश, हाईकोर्ट ने आदेश दिए। नवज्योति जयपुर। प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग। नवज्योति जोधपुर। आयोग कर सकता है कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित। अजमेर राजस्थान पत्रिका राजस्थान लोक सेवा आयोग एग्जाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रेस विज्ञप्ति। ट्रांसफर पॉलिसी पर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर। भास्कर, आईआईटीएम ने दी छात्रों को इंटर्नशिप्स जयपुर। भास्कर, कृषि के छात्र पढ़ सकेंगे ई जनरल और ई थीसिस बीकानेर। भास्कर, 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हुए जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। भास्कर, हैदराबाद में होगा अब क्लेट कंसोर्टियम का नया मुख्यालय। भास्कर जयपुर। एनटीए ने जारी किया रिकॉर्डेड रिस्पांस और आंसर की कोटा। भास्कर, राजस्थान विश्वविद्यालय आज जारी होगा फाइनल ईयर की परीक्षा का टाइम टेबल। जयपुर भास्कर, राजस्थान विश्वविद्यालय। भास्कर काश कैसे दे रहे हैं शिक्षा, विश्वविद्यालय में अब तक नहीं बना ऑनलाइन क्लास के लिए पोर्टल। जयपुर भास्कर, कोरोना इन्फेक्ट बीएससी नर्सिंग की 7500 सीटों के लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ एडमिशन प्रोसेस। जयपुर भास्कर, शिक्षा विभाग के 4 बड़े फैसले। 3 साल बाद फिर बदलेगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोशाक। राजस्थान पत्रिका जयपुर। 3 साल तक मिलेंगे 50,000 रुपये हर महीने। जयपुर राजस्थान पत्रिका, कोरोना के कारण 2 बार हुई स्थगित, अब 29 सितंबर को जेट परीक्षा। प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक साथ होगी परीक्षा। जोधपुर राजस्थान पत्रिका, दिल्ली विश्वविद्यालय 14 सितंबर से शुरू होगी 2रे चरण की परीक्षाएं। जयपुर राजस्थान पत्रिका, क्लेट में अब देश के 21 एनुअली 28 सितंबर को ही होगी परीक्षा।
जोधपुर राजस्थान पत्रिका, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की परीक्षाएं 14 सितंबर से, चूरू जयपुर टाइम्स राजस्थान पत्रिका कोटा, JEE 2020 NTA ने जारी किए प्रश्न पत्र व आंसर की, शिक्षकों की वेतन कटौती का विरोध बीकानेर शिक्षा विभाग, वेतन कटौती के विरोध में शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन जोधपुर, फाइनल ईयर की परीक्षा 3 की बजाय 1.5 से 2 घंटे का पेपर जयपुर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भास्कर, MBS विश्वविद्यालय में रिश्वत का खेल, कुलपति सहित 3 आरोपी रिमांड पर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, नवज्योति कोरोना के खतरे के बीच देंगे 15.97 लाख स्टूडेंट्स नीट परीक्षा, नवज्योति जयपुर, पूर्व कुलपति डॉक्टर सिंह ने शिक्षक भर्ती की सामूहिक नकल पर भी कॉलेजों को दोबारा दी मान्यता, नवज्योति जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय की UG प्रवेश की दूसरी सूची अब 12 को होगी जारी, नवज्योति जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय 7 साल में 200 से 1100 तक पहुंचा छात्रों का नामांकन, राज्य के स्कूल को मॉडल विद्यालय बनाने वाले शिक्षक को सलाम, नवज्योति जयपुर, JEE 2020 की जारी किए प्रश्न पत्र आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, 10 सितंबर शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे विद्यार्थी, नवज्योति जयपुर, फीस स्थगन नहीं होने से स्कूलों में खुशी और अभिभावकों में निराशा, नवज्योति जयपुर, केंद्र ने जारी किए नियम और शर्तें, 9वीं से 12वीं की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू होगी, नई दिल्ली, इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।